गॉड ऑफ वॉर की कहानी में अभी तक आपने देखा क्रेटोस सभी चीजों को छोड़ करके नॉर्थ में आ जाता है, जहां क्रेटोस फे नाम की लड़की से शादी करता है। फे और क्रेटोस को एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है ट्रियस। एक दिन क्रेटोस जंगल में एक खूंखार भालू को मार देता है जो कि एक बूढ़े आदमी को मार रहा था। क्रेटोस के घर आने पे उसके ऊपर तीन लोग और हमला कर देते हैं जो कि भालू में बदल सकते थे। वो बताते हैं कि तुमने हमारे भाई को मारा था, यानी कि उस भालू को मारा था जो कि इंसान से भालू में ही बदला था उस वक्त। क्रेटोस उनमें से दो को और मार देता है और तीसरा भाग जाता है और वो कहता है कि मैं अपने बचे कुचे भाइयों के साथ आऊंगा तुमसे बदला लेने के लिए। क्रेटोस इस बात से डर जाता है कि अगर उसकी गैर मौजूदगी में उन्होंने हमला किया तो वो उसकी वाइफ और बेटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वजह से क्रेटोस उसका पीछा करने के लिए निकल पड़ता है। क्रेटोस को आगे चलने पे एक लेडी मिलती है जो कि क्रेटोस के बारे में बहुत कुछ जानती थी और उन आदमियों के बारे में भी जो भालू में बदल सकते थे। अब आगे वो लेडी क्रेटोस से बोलती है, आग और मौत यही चीजें तुम्हारे साथ होती हैं जब तुम किसी भी रास्ते पे चलते हो तो। लेकिन क्रेटोस यहाँ सीधा ही उस लेडी से बोलता है, पहेलियां मत बुझाओ लेडी, मुझे बताओ साफ साफ शब्दों में कि तुम उन लोगों के बारे में क्या जानती हो। लेडी बोलती है, मैं पूरी तरीके से साफ बोलने की कोशिश करूंगी जितनी मैं बोल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने गुस्से को काबू में रखना होगा। भगवानों के हत्यारे, तुझे खुद को काबू में रखना होगा। क्रेटोस बोलता है, मैं अपने गुस्से को काबू में रख सकता हूँ, अब बोलो क्या बोलना है। लेडी क्रेटोस को बताती है कि जिन लोगों को तुम ढूंढ रहे हो उन्हें बारसिकर्स कहा जाता है और वो एक ही वक्त पे दोनों हैं। वो इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर है लेकिन जानवर से ज्यादा बेरहम। इस धरती पे वो पहले बहुत बड़ी संख्या में हुआ करते थे लेकिन अब बहुत कम बचे हैं, पर फिर भी वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए। बारसिकर्स लोगों को अपनी ताकतें एक टोटम से मिलती हैं जो कि पूजा जाता है उन लोगों के द्वारा। वो अपने खुद के बनाए हुए भगवान की पूजा करते हैं। उनको अपनी ताकत गुस्से से मिलती है और इसी वजह से ये बारसिकर्स एक बहुत ही बड़ी ताकत और गुस्सा अपने साथ रखते हैं। और जिस तरीके से उनकी संख्या अब धीरे धीरे कम हो रही है, कुछ ही सालों में वो इस धरती से खत्म हो जाएंगे। क्रेटोस पूछता है कि क्या ये टोटम ही उनकी शक्तियों का राज है। लेडी बोलती है, वो उनकी शक्तियों का केंद्र है। वो अपनी ताकत एक भालुओं वाले भगवान से लेते हैं, लेकिन उनकी ये गुस्से की ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि उनका ये गुस्सा उनके दिमाग को खराब कर देता है। वो गुस्से में आने के बाद कुछ सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, फैसला नहीं ले पाते और बेवकूफी वाले फैसले करते हैं। और मुझे लगता है कि तुम तो इस बारे में किसी और से कहीं ज्यादा जानते होगे, बेवकूफी से लिए हुए फैसलों के बारे में। क्रेटोस बोलता है, मैं अपने गुस्से को काबू कर सकता हूँ, ये मुझे काबू नहीं करता। सो अब मुझे बताओ कि ये टोटम आखिर मिलेगा कहाँ। लेडी बोलती है कि मैं एक रिचुअल कर सकती हूँ जिससे कि मुझे पता लग जाएगा कि वो टोटम आखिर है कहाँ पे, लेकिन ये रिचुअल आसान नहीं होने वाला, इसकी एक कीमत होगी भगवानों के हत्यारे। क्रेटोस बोलता है, क्या कीमत है। लेडी बोलती है, ऐसी कीमत जो तुम्हें चुकानी होगी वक्त आने पे। क्रेटोस बोलता है, ठीक है तुम अपना काम करो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। बाहर अट्रियस क्रेटोस से बोलता है, क्या आपको लगता है कि उनमें से कई और लोग यहाँ आएंगे, और अगर क्या हो कि माँ घर पे लौटे और तभी वो लोग हमला कर दें। क्रेटोस बोलता है, सुनो लड़के, तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। लेकिन क्रेटोस अपनी बात पूरी करता तभी वो लेडी आ जाती है और कहती है, मुझे उनकी लोकेशन मिल गई। वो लेडी बताती है कि तुम्हें वो लोग यहाँ से दूर एक लॉन्ग हाउस में मिलेंगे जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बस एक दिन की दूरी है, फुटहिल की सबसे बड़ी पहाड़ी के बिल्कुल नीचे, और टोटम भी उन्हीं के पास है। और हाँ, इस टोटम को तबाह कर देना जिससे कि बारसिकर्स
अपनी राक्षसों वाली ताकत को खो देंगे और वापस से इंसान में बदल जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे क्रेटोस, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, ताकत का नहीं, बुद्धि और समझदारी से काम लेना, ना कि केवल अपनी ताकत के धौंस में उनसे अंधों की तरह लड़ जाना। अगर तुम उनसे उनकी शर्तों पर लड़ोगे तो तुम्हारा हारना तय है। क्रेटोस बोलता है, मैं केवल अपनी शर्तों पर लड़ता हूँ लेडी, और मैं हमेशा से ऐसा ही लड़ा हूँ। अट्रियस क्रेटोस से बोलता है कि क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन क्रेटोस बोलता है, नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो लड़के, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। क्रेटोस उस लेडी से बोलता है, लड़का यहीं रहेगा जब तक मैं लौट नहीं आऊँ। लेडी बोलती है, जैसा तुम कहो। क्रेटोस जाने से पहले अट्रियस से बोलता है कि तुम अभी इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं हो, यहीं रहो, सुरक्षित रहो, और बहुत ही जल्दी तुम अपनी माँ के पास लौट जाओगे। इतना बोल करके क्रेटोस यहाँ अट्रियस को उस लेडी के पास छोड़ के निकल जाता है। क्रेटोस पूरे दिन का सफर करके लगभग रात के टाइम पे उस झोपड़ी के पास पहुँच जाता है। क्रेटोस बोलता है कि वो लेडी सच बोल रही थी। क्रेटोस अंदर घुसने पे देखता है कि सामने वही टोटम है जो कि एक भालू के आकार का था, पत्थर का। क्रेटोस बोलता है कि अगर मैं उन्हें नींद में ही मार दूं तो, लेकिन अगर मैं उन्हें नींद में नहीं मार पाया और अगर एक को भी अपनी नींद से छुटकारा मिल गया जब मैं उन्हें मार रहा हूँगा तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ क्रेटोस उन लोगों को नींद में मारने का प्लान कैंसिल कर देता है और टोटम को तोड़ने के लिए जाता है, क्योंकि टोटम को तोड़ते ही वो लोग इंसान बन जाते और फिर उन्हें हराना कोई मुश्किल बात नहीं रह जाती। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी जग जाता है। क्रेटोस उस आदमी से बोलता है, बार्सिकर्स ने मेरे घर को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा है और मैं उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। साइल हट जाओ और मैं तुम्हें जीने दूंगा, या फिर मुझसे लड़ो और अपनी मौत का कारण बनो, लेकिन मैं टोटम तो तोड़ के रहूँगा। तभी हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक एक करके भालुओं में बदलना शुरू हो चुके हैं। यहाँ क्रेटोस भी अपनी कुल्हाड़ी को लेकर के उन भालुओं के ऊपर कूद पड़ता है। अब क्रेटोस यहाँ एक एक करके उन सभी भालुओं को मारता जा रहा था, लेकिन वो भालू भी कम नहीं थे, वो भी क्रेटोस को बराबर की टक्कर दे रहे थे। यहाँ क्रेटोस कई सारे भालुओं को मार चुका था, लेकिन वो तो बस और आते ही जा रहे थे, उनका कोई अंत ही नहीं नजर आ रहा था। तभी वहाँ पे एक भालू आता है और क्रेटोस के ऊपर जबरदस्त हमला करता है। तभी क्रेटोस को उस बूढ़ी औरत की बात याद आती है जो कह रही थी कि अगर तुम उनसे उनकी शर्तों पर लड़ोगे तो तुम जरूर हारोगे। क्रेटोस बोलता है कि मुझे उन्हें समझदारी से हराना होगा, बूढ़ी औरत सही थी, मैं मॉन्स्टर से मॉन्स्टर की तरह नहीं लड़ सकता, अपने गुस्से को मैं काबू करता हूँ, ये मुझे काबू नहीं करता। तभी क्रेटोस वहाँ उस भालू के चंगुल में रहते हुए ही अपनी कुल्हाड़ी को उस टोटम में फेंक के मारता है और वो टोटम वहीं के वहीं टूट जाता है। तब हम देखते हैं कि वो सभी लोग यहाँ वापस इंसान बन चुके हैं। क्रेटोस बोलता है, तुमने मेरे घर पे हमला करने की हिम्मत की, मेरे परिवार को धमकाने की हिम्मत की, अब नहीं। और तब हम देखते हैं कि क्रेटोस ने उन सभी को वहीं पे मार करके और उस पूरे झोपड़े में आग लगा दी है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम बीत चुका है। बूढ़ी औरत अट्रियस से कहती है कि तुम्हारे पापा आते ही होंगे, लेकिन एक काम है जो तुम्हें करना होगा मेरे लिए उनके लौटने से पहले। वो बूढ़ी औरत अट्रियस को एक चाकू देती है। अट्रियस उस बूढ़ी औरत से बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे क्या करना होगा। बूढ़ी औरत बोलती है, समझाने का वक्त नहीं है, वो पहले ही यहाँ आ चुका है। तब हम देखते हैं कि उन सभी लोगों में से, उन भालुओं में बदल सकने वाले लोगों में से एक आदमी अभी वहाँ आ चुका है जो कि अट्रियस के ऊपर हमला कर देता है। अट्रियस यहाँ उससे लड़ने की कोशिश करता है, उस बूढ़ी औरत को बचाने की कोशिश करता है। तभी क्रेटोस वहाँ आ पहुँचता है और वो अंदर से इस तरीके का शोर शराबा सुन करके रफ्तार से भाग करके उस झोंपड़े में घुस जाता है। अंदर पहुँचते ही क्रेटोस अट्रियस से बोलता है, लड़के भाग जाओ यहाँ से, मैं संभाल लूँगा इसे। वो आदमी क्रेटोस से कुछ बोलता है, लेकिन क्रेटोस उस आदमी से कहता है, अब जिंदगी में आखिरी बार मैं तुम्हारी इस बड़बड़ को नहीं समझ रहा हूँगा। तभी क्रेटोस उस आदमी के सर पे एक जबरदस्त कोसा मारता है जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है। तब क्रेटोस देखता है कि वो वहाँ पे बूढ़ी औरत भी घायल होकर के लेटी हुई है। क्रेटोस बोलता है कि क्या तुम्हें पता था ये होने वाला है। बूढ़ी औरत बोलती है,
मैंने तुमसे कहा था इस चीज़ की एक कीमत होगी जो तुम्हें चुकानी होगी। मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियाँ देखना, क्रेटोस बोलता है। ठीक है, बूढ़ी औरत मरते हुए क्रेटोस से बोलती है, तुमने आखिरी बचे हुए बासिकर्स को भी मार दिया है, तुमने अपने दुश्मनों पर जीत हासिल कर ली है, लेकिन अभी भी एक दुश्मन है जिससे तुम्हें खुद जीतना होगा अपने दम पे। इतना बोल करके वो बूढ़ी औरत वहीं मारी जाती है। क्रेटोस अट्रियस से कहता है, लड़के जल्दी करो, हमें इस लेडी का अंतिम संस्कार करना चाहिए। यहाँ क्रेटोस थोड़ी देर रुकता है और तभी अट्रियस से बोलता है, चलो लड़के अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं। अट्रियस पूछता है कि क्या आज मैंने अच्छा किया। क्रेटोस बोलता है, आज के लिए ठीक था, लेकिन आगे से लड़ने का काम मेरे ऊपर छोड़ देना। तब क्रेटोस आगे बढ़ते हुए मन ही मन सोच रहा था, और मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि मेरा बेटा उस रास्ते पे ना चले जिस रास्ते पे मैं चला हूँ। की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। औरों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। शान क्या जान पाओ दान बाजे धनुष के बाण पे उतार दो।